कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। जय जिनेन्द्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्रित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। समस्त आचार्य संघ की, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे हैं अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर शतांचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्र अत्र अवतर अवतर सम्मोषयति आह्वानम्। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाढ स्थापनम्। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव सत् सन्निधि करणम्। सांसारिक विषयों में पड़ कर मैंने अपने को भर माया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष दोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज स्वांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतल तापाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो संसारा ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा।
इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष भक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, निर्बोध जगाऊंगा। रुमष्टोत्तर शतांजलि श्री विद्यासागर जी महामनिन्द्रेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय ने वेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रुमष्टोत्तर शतांचलि श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए अष्टोत्तर शतांचलि श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद मिली जा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारव मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रुमष्टोत्तर शतांचलि श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निसिदिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह भक्त भाविना। अष्टोत्तर शतांचलि श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो ससंग मुनिराजेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति संपूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज, किसी एक व्यक्ति को भूख बहुत सता रही थी और वह सोचता है इस क्षुधा का निवारण किससे किया जाए। निवारण के लिए सोचा, लेकिन वहाँ पर एक फल लगा था बेल पर, देखने को तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसी को खा लिया जाए। सामने दिखा है, सहज रूप से दिखा है, हम अन्यत्र कहीं गए नहीं थे। उसको अच्छे ढंग से उसने धो धा करके खा लिया। खाते समय उसको कोई भान नहीं हुआ। जैसे जैसे क्षुधा का निवारण हो गया, वैसे वैसे वह अपना असर दिखाने लगा।
वो ऐसा असर दिखाने लगा आधा एक घंटे में उल्टी और दस्त दोनों तरफ से वह चालू हो गए। 10-20 बार उल्टी और 10-20 बार हो जाए तो फिर पैरों में ताकत ही नहीं, बैठने के लिए कमर में ताकत है ही नहीं, लुढ़कने तो वह अपने आप ही लुढ़क गया। बहुत भयंकर वेदना होने लगी, पेट में जलन और प्रारंभ हो गई, आँखें सारे लाल होने लगी। इस दशा को थोड़े चिल्ला करके किसी से कहा, योग से एक वेद जी वहाँ से पार हो रहे, इसका क्या उपाय हम हमें बता दो, चिंता न करो, क्या हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ, जो आपने खाया था उसी से ठीक होगा। ऊपर उठाएंगे क्या? नहीं, जो खाया था उसी से ये ठीक होगा, इतना ही अंतर है। वो भीतर से खाया था, अब इस बाहर से क्या खाया था, वह एक तुम्बी फल था, जहरदार कड़वी, एकदम कड़वी होती तो वो खा ही नहीं जाता, अच्छे भूख लगी तो खा लिया, अब वह उसको खा रहा है, तुम भी उसको खा रहा, क्या करें, कुछ नहीं करना, तुम भी ले लिया तो तुम भी को सर्वप्रथम जला दो, उसमें थोड़े बहुत कोई तेल मिला दो, फिर उसका थोड़े से गरम 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 पेट के ऊपर लेप कर देना। सुन रहे हो? खाते हो तो दूसरा यही उपाय है, ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप करके तो देख लो। किया तो आधा घंटे में वह पूरा का पूरा वह शोषित कर रहा है, दर्द का जो कारण था उसको वह शोषित कर रहा है। आधा घंटा हुआ ही नहीं, पैर में हल्कापन लगने लगा। हल्का लग रहा है क्या? नहीं, हाँ लग रहा है। इसी प्रकार दो दो बार और वह एक दो दिन तक चलते रहे। भीतर केवल ये जो पुड़िया दे देते हैं इसको कर लेना, वो भी शांत हो जाए। ऐसा है उसने किया, दो बार ला करके उसके ऊपर लेप करता और ये होता है। श्रद्धान था इसलिए ठीक हुआ, विधि थी इसलिए वह ठीक हो गया, प्रयोग था वह यद्वा तद्वा नहीं, वह भी विधिवत था। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों का ही उपयोग हुआ। किंतु विस्मय की बात यह है कि जो भीतर जाता है तो मरणांत पीड़ा होती है, और बाहर उसी को लगा लेते हैं दो तुम्बियों का, वह असर पूर्ण पेट के ऊपर हुआ, लेकिन पेट के भीतर तो उपवास हुआ, तो उपवास के कारण वह सर जो कुछ भी गर्मी उसको वह खींचता रहा, अच्छे ढंग से खींचता रहा। किंतु यह एक विस्मय है, जो जहर था वह जहर भीतर तो मरणांत पीड़ा करता है, बाहर लगा देते अपने पेट के, वो पेट उसी पेट के ऊपर जिसमें जहर चढ़ा, बाहर रहता है अलग असर करता है, और भीतर होता है तो अलग असर करता है। इसलिए अपने को बाह्य और अभ्यंतर दो प्रकार से क्या कह रखा है, उपवास आदि 12 तप बताए,
बाहरी तप क्या है, भोजन नहीं करना, इतना ही पर्याप्त नहीं, भोजन करने के भाव भी नहीं करना। यदि भोजन करने के भाव रहे और आप उपवास करते आते हैं तो फिर स्वप्न में भी खाते ही रहते हैं। स्वप्न में यदि खाते हैं तो वो दोष माना जाता है, इसलिए समय पर आप दिन में खाओ, फिर मुँह इत्यादि धो धा करके बैठ जाओ, निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। उपवास एक प्रकार से हमारी परीक्षा लेता है कि हमारे इसके ऊपर विश्वास है क्या नहीं। जिसको विश्वास रहता है वह एक प्रकार से ऊनोदर भी कर लेता है तो भी उपवास से भी बढ़कर के उसको फल मिलता है, क्योंकि वह एक प्रकार से वैयावृत्ति के हेतु को लेकर के चल रहा है। उपवास तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो उसको पीड़ा है उसके लिए वैयावृत्ति के लिए समय निकालना पड़ेगा, तो इसलिए यह तो काम नहीं चल पाएगा, थोड़े बहुत खा लेते हैं। काय के लिए खा रहे हैं, वैयावृत्ति के लिए। वैयावृत्ति किसकी है, जो दूसरे के व्यक्ति है ना उसकी, ये कर लिया। अपने लिए कौन से वैयावृत्ति हो गए, राग द्वेष छोड़ करके उपवास करना था ये भाव होते हुए भी दूसरे के लिए यदि करते हैं तो परोपकाराय पुण्यम, पर के ऊपर उपकार करते हैं तो पुण्य बनता है, और यदि मान लो अपने लिए स्वार्थ रखते हैं तो पापम। तो ये शास्त्रों में हमारे भीतरी परिणामों के ऊपर अध्ययन करके केवली भगवान ने पहले ही हमारी आदत वहाँ पर लिख दी है। हमने ऐसे नहीं किया, सर्वज्ञ के सामने बोला मत करो, पक्का है। वेद जी के सामने क्या बोल रहे हो आप, दो दो गलती करते जा रहे हो। इसलिए जिससे खाया, जिसको खाया है उसी से ये ठीक होगा। खाने का कार्य दोनों में, उसमें त्याग करने रूप में है, लेकिन आगम के अनुसार खाने के लिए भी विधान किया जा रहा। उद्देश्य है क्षुधारों को दूर करना, लेकिन उसके रोग को भी दूर करना। आपकी क्षुधा तो दूर है ही, इसलिए तो उपवास करने जा रहे थे, तो खा क्यों ले है? इसलिए मैं इस उपवास में इस प्रकार वैयावृत्ति नहीं कर सकूँगा, उसको भी पुनः सामय करने योग्य बनाना, इसलिए हम तो कर ही लेते हैं। तो इस प्रकार दोनों को शुद्धोपयोग की ओर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, लंघन करना किंतु अनेशन करना ये भी एक बहुत महत्व है। ईशन का अर्थ होता है इच्छा, अनेशन बिना इच्छा के भी हम करते हैं, करना पड़ता है, यह भी एक आवश्यक है, लेकिन विधिवत करते हैं, तोल तोल करके देते हैं तो वह अपने आप ही पच करके अपने धर्म ज्ञान में सहायक होता है, और दो तीन व्यक्ति वो भी खड़े हो जाते हैं। परोपकाराय पुण्य में से किसी ने पद लिखा वो सोच करके लिया, पर के लिए उपकार कर रहे हैं, स्व के लिए क्या हो रहा है, पुण्य संचय हो पापापचय, पुण्य संचय, पाप का अपचय होगा और पुण्य का संचय होगा, इसका नाम भी वह
विपाक विषय धर्म ध्यान ही माना जाता है। दूसरे के लिए भी आपने सोचा, करुणा के साथ सोचा, कर्तव्य मान करके सोचा। यदि मान लो हम होते इस स्थान पर तो क्या होता महाराज, हम होते ही नहीं। इतनी वेदना को कौन सहन करेगा, वो उतने तो सहन कर लिया आप लोगों के भरोसे। इस प्रकार घर में ऐसे भी सदस्य होते हैं जो अपने लिए वो कुछ नहीं करते और बाद में सब लोगों को भोजन करने के उपरांत त्यागी तपस्वी तो हो गया, फिर बाद में भोजन करते हैं, अंतों की तैयारी और कर लेते अपने स्वयं के लिए नहीं। जो भोजन करके गए ना, काम करके आएंगे तो दिन डूबने से पूर्व में उनको तैयार करना है। तो बड़े बड़े घरों में हमेशा हमेशा चूल वो जलती ही रहती बताते हाँ। तो बड़े बड़े हैं, मानो उसके बीच में बच्चे और आ जाएंगे तो वो उनका अंत तो चलता ही रहता। हाँ, तो इसीलिए आचार्यों ने बहुत सोच समझ करके हमारे भावों के ऊपर अध्ययन करके ये इस परिस्थिति में अपने आप को सुखी भी बना सके, सब प्रकार के वेदनाओं को सहन भी कर सके, किंतु उन्हें एक प्रकाश यह भी दे दे कि वह हमारा अनेशन जो है यह उपवास से कम नहीं है, ऐसा कहा। तो आज भी जो विधिवत संयमा संयम और संयम दोनों पाल रहे हैं, वे चतुर्थ काल में जो करते थे श्रावक और श्रमण तपस्या और उससे कर्म निर्जरा होती थी, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा वह उत्तम संगठन वाले भी क्यों न हो, किंतु आज हीन संगन भी क्यों, हीन संगन के साथ भी उपवास अनिशन आदि किया जा सकता है। वह केवल परोपकाराय भी स्व पुण्य संचय, अपने पास ऐसा पुण्य का संचय हो जाता है तो अगले जीवन में चुटकी बजाते। ये ऐसा क्यों कहा जाता, चुटकी बजाते दूसरा काम करते हैं तो चुटकी नहीं बज पाती होगी। हाँ, इसलिए चुटकी बजाने के लिए वो मध्यमा और अंगुष्ठ दोनों की भीतर ऊर्जा आए तो फिर चुटकी बज जाए। वो चुटकी बज जाते वो किसी को सुनने में आए या ना आए। हाँ, हम जब छोटे थे भैया ये सब लोग सुन रहे हैं क्या नहीं क्या पता, और वो धीरे धीरे चुटकी बज जाती थी, वो अच्छा हमें नहीं लगता, आवाज़ आ रही थी, आवाज़ से कोई मतलब नहीं। पर चुटकी का अर्थ ये है, थोड़े में भी, थोड़े श्रम में भी क्या कहते हैं, बड़ा काम हो जाता चुटकी बजाते बजाते, ये इसका अर्थ है, नहीं समझे। इसी प्रकार आप लोग पंचम काल कह करके आलस न करियो, ये पंचम काल पंचों का भी उद्धार कर देगा और प्रपंच का भी समाप्त कर देगा। प्रपंच का अर्थ होता है संसार, और पंच तो संसार में कोई उलझ न ले इसलिए उनको मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारे पंच परमेष्ठी ही हमारे पंचायत हैं, उनको अच्छे ढंग से रखो, आराधना के सूत्र में पोर करके कल्याण हो जाएगा। विश्वास का भी खेद है, सौदा करते हैं तो उसमें घाटा भी लग सकता है, कैसे घाटा लगता हम देखना है, ऐसे करते तो आगे बढ़ जाता है। अहिंसा परमो धर्म। एक विद्युत होता है करंट जिसको बोलते हैं, आज
विद्युत उत्पादन परम आवश्यक माना जाता है। उसी के माध्यम से बहुत सारे कार्य संपादित हो जाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात। इसमें सरकार भी काफी परिश्रम कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी इसमें लगे हैं ताकि इसकी आपूर्ति हो जाए। हमेशा हमेशा वस्तुओं के माध्यम से न हो करके कुछ युक्तियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से हुआ करता है। अपने यहाँ विद्या वगैरह होती है, उसमें यही एकमात्र हमें परिलक्षित होता है। एक विद्या वह होती है परिश्रम करने के उपरांत उत्पन्न होती है, किंतु इतनी शक्ति संपन्न नहीं रहती। दूसरे के द्वारा विद्या है वो इससे 100 गुने ज़्यादा काम करती है। और 100 गुने कहाँ से आ गई शक्ति? विद्या तो विद्या है, उसमें उन्होंने अपनी तपस्या साधी। उसी प्रकार चाहे भौतिकी हो चाहे आत्मिक हो, दोनों में हम अपनी ऊर्जा का संचार हो इस प्रकार की साधना करना चाहिए। आराम भी कम, परिग्रह भी कम, और अल्प समय में हमें उसकी उपलब्धि 100 गुनी ज़्यादा हो सकती है। एक बार चर्चा के दौरान, क्योंकि इसलिए पूछा कि आज का विज्ञान कैसे काम कर रहा है, तो विद्युत तो कम है, करंट कम है, कैसे हम काम करें? तो उस बल्ब है, उस बल्ब की ओर दृष्टि गई, उसमें वोल्टेज की अपेक्षा से संचार कम है और खर्च भी कम होता है, फिर भी प्रकाश ज्यादा मिलता है, क्या है इसमें? उसमें और कुछ नहीं, उसके एक जो पार्ट है भीतरी अंग, वह इतना चमकीला बनाया गया है, इतना चमकीला बनाया गया है, उसके कारण वह जो प्रकाश है एक प्रकार से परावर्तित होकर के उससे 100-100 गुना ज्यादा प्रकाशित कर देता है। इसमें और कुछ भी नहीं है, उसको तैयार कर दिया गया, किंतु आज उस विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी हम मात्रा में चाहते हैं। ये कह रहा हूं कि भीतरी काम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बाहरी काम में दुनिया बहुत ही आनंद का अनुभव करती रहती है। और हम ये जो आयोजना कर रहे हैं इसमें बाहरी कम और भीतरी ज्यादा है, बल्कि यूं कहना चाहिए भीतरी ही सब कुछ है, बाहरी नहीं के बराबर है। बाहरी जो दृश्य आप देखते रहते हैं आंखें बंद करने के उपरांत, भीतर भी एक दृश्य होता है, वो देखने लग जाएंगे, आंखें उसमें चमचमाएंगे नहीं, और प्रकाश इससे भी ज्यादा मिल सकता है। लेकिन बाहर का मनोरंजन कम हो तो यह संभव है। तो ये जो आपके सामने लाइट लगी हुई है तो उसी के परिणाम है ये। इसके भीतर इस प्रकार की चमक इतना चमक जाता है तो आंखें उस ओर देखने को एकदम नीचे हो जाएगी, इतना प्रकाश हो जाता है उसमें। यह एक पुरुषार्थ है, इसकी उम्र भी ज्यादा है, ज्यादा हो या ना हो लेकिन इसमें विद्युत ज्यादा खर्च नहीं होता। लेकिन पहले जो खर्च होता है
वही सब कुछ होता है। महंगी तो है लेकिन इसके परिणाम क्या निकलते हैं, वह आरंभ और वह परिग्रह नहीं लग पाता। हम अपनी भक्ति को इस प्रकाश के उदाहरण से, इस रिफ्लेक्शन के माध्यम से, इस परावर्तन के माध्यम से अपनी दृष्टि को भीतर ले जाएं। प्रभु का कहना है कि हमारे भीतर भी वही आत्मा है जो प्रभु में है। फर्क इतना ही है, हमारे ऊपर आवरण है और उन्होंने अपने आप को निरावरण कर दिया है। ये जो निरावरण करने की पद्धति है, आवरण को हटाने की पद्धति है, आप आवरण और आच्छादित करते जा रहे हैं, आभरण और लादते जा रहे हैं अपने ऊपर, और उसके कारण भीतरी प्रकाश बाहर ये आने को ही नहीं, कैसे आएगा? महाप्रतापशाली सूर्य जो आज देखो चंद्रमा की भांति दिख रहा है, देखा आप लोगों ने? हाँ, ऐसे क्यों हुआ? बादलों के माध्यम से उनकी किरण जो इस ओर आती वह टकरा करके वहीं के वहीं समाप्त हो गए, यहां तक नहीं आ पा रहे। आप लोगों के भीतरी नहीं बाहरी निमित्त को लेकर के भीतरी जो चमक है, उद्योत है, प्रकाश है, वह आवरणित होता जा रहा है। उस कार्य को हमने करें, ये क्यों होता है? तो हम बाहर को ज्यादा महत्व देते जा रहे हैं और भीतर को कम। हम भीतर देखते चले जाएं तो बाहरी दृश्य भी अपने आप समाप्त होता जाता है। आंखें और उसके पलकें, आंखों के द्वारा देखते हैं, बल्कि उसके ऊपर हम कभी कभी जितना आवश्यक है उतने बंद कर देते हैं और खोल देते हैं। आपने देखा होगा जब कार वगैरह आती हैं, बस वगैरह आती हैं, और सामने से आ रही मान लो, और इधर से आप जा रहे हैं, उस समय दोनों का कर्तव्य होता है, क्या करते हैं, क्या करते हैं? सुनो, ऊपर पर्दा डालते हैं, कैसे यूं रहता यूं कर देते हैं, उतने में ही पर्याप्त होता है। ये इसको बोलते हैं नासा दृष्टि। सामने दृष्टि न होकर के नासा दृष्टि हो जाती है। सामने वाला भी अपनी को लाइट को इसी प्रकार नीचे ले जाता है, पर्दे के माध्यम से, उस कांच के माध्यम से, उस एंगल को नीचे की ओर खिसका करके कर देते हैं। इधर से भी इसी प्रकार हो जाता है। सड़क के ऊपर प्रकाश जो अपेक्षित था वह ज्यों का त्यों बना रहता है। एक्सीडेंट से, दुर्घटना से हम बच जाते हैं, चलने में सुविधा हो जाती है, पुलिस को भी राहत मिल जाती है, मिलती है कि नहीं? फिर ऐसी स्थिति में पुलिस भी आकर के इन पंच कल्याणों को भी नाचने लग जाते हैं जैसे नाच रहे थे। उनके भी बोली लेने की भावना हो जाती है, नृत्य कर जाते हैं, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो कल ऐसे ही इनका जो वर्ग था, एसपी और डीएसपी और वो आदि आदि, उन्होंने कहा कि महाराज पुलिस को भी कुछ धार्मिक कार्य में
भाग ले सकते हैं, ये भी हमारी धारणा अब बन गई है। और इसके उपरांत उन्होंने त्याग करके, रात्रि भोजन त्याग करके कल तो हमारे लिए आहार भी दे दिया। बहिर्मुखी पुलिस इस पंच कल्याण में आकर के अंतर्मुखी भी बन सकती है। ये एकमात्र दृष्टि है, हमें ये करना चाहिए। इसी प्रकार जब वह पूर्ण हो गया अवसर, तो पुनः ऊपर की ओर वो कर लेते हैं, दूर तक देख लेते हैं। दूर तक इसलिए देखना आवश्यक होता है, अपने को गति और बढ़ाना है। यह भीतर देख करके सब किए जाते हैं। हम अपने भावों को उत्कर्ष करने के लिए बार बार कर्मों के वेग को देखना पड़ता है। यदि सौम्य है तो हम गति बढ़ा देते हैं, यदि कठिनाई है तो गति ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। दुर्घटना से बचना भी अनिवार्य होता है, ये यात्रा का उपक्रम चलता रहता है। किंतु बाहर और भीतर, बाहर और भीतर दोनों तरफ देखते हुए जब हम चलते हैं, यह कार्यक्रम हमारा आज का ही नहीं, दैनंदिन ही नहीं, रात्रिक भी है, जब कभी भी आप देखो ये कार्यक्रम चलता रहता है। विद्यार्थी एक बार विद्यालय में प्रवेश पाता है और जब तक विद्यालय से बाहर नहीं निकलता, चार दीवारी का नाम विद्यालय नहीं, वो सारे सारे कक्षाओं पार करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करके नहीं आता, तब तक वह उसका उपक्रम चलता रहता है। अवकाश प्राप्त होता है तो भी वो विद्यालय ही दिखता है, घर जाना पड़ता है। कुछ बच्चियां जो आज घर जाना था लेकिन नहीं जाए, हम नहीं जाता पूछा कल किसी का, क्यों नहीं जाते, बुखार आ गया, जाओ तो नहीं नहीं, हम तारा दे जाएंगे तो वहां पर अपने आप बुखार ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ी, अस्पताल जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी, परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, और काम हो गया। ये किसका परिणाम है? ये परिणाम केवल हम अपनी दृष्टि को भीतर की ओर ले जाते हैं, अंदर की ओर ले जाते हैं, तो ये भाव आ जाते हैं। ये रिफ्लेक्शन पद्धति, यह एक प्रकार से उसका परावर्तन की क्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने सामने आदर्श कोई ना कोई पूर्व हुए हैं, उनको रखें और अपने इस कांच की व्यवस्था के साथ साथ जो कुछ भी विद्युत है उसके माध्यम से ऐसा भी हम अंग पैदा कर दे, तैयार कर दे पुरुषार्थ के माध्यम से, उसमें चमक ज्यादा हो तो वह प्रकाश 100-100 गुना ज्यादा बढ़ सकता बढ़ता है। यही एकमात्र साधना का उपक्रम होता है। इसको हम यदि इसका अध्ययन नहीं करते हैं तो बहुत कुछ समय व्यर्थ में चला जाता है और कार्य होता भी नहीं, बल्कि प्रमाद होता है और फिर धीरे धीरे आस्था भी हमारी कुंठित होने लग जाती है। आखिर कब तक है, तो फिर ऊबने लग जाता है, बोरियत होने लग जाती है। फिर वचनों के माध्यम से भी कहता है अब तो छुट्टी इकट्ठी ले ले तो अच्छो है, कौन मना करता है, ले सकते हो, यदि छुट्टी लेना है ले सकते हो, लेकिन बाद में कहोगे हम ज्यादा छुट्टी ले ली तो अब चले जाए, नहीं अब तो विद्यालय नहीं जा सकते, क्योंकि वह उत्साह, वह ऊर्जा शक्ति एक प्रकार से काल की अपेक्षा से
कम होती चली जाती है, क्योंकि उम्र जिसको बोलते हैं, प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक पर्याय की हुआ करते हैं। वह निकल गई तो फिर इसके उपरांत पुनः उसको हम लौटा नहीं सकते। सबको लौटाया जा सकता है, सबको बुलाया जा सकता है। आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, बहुत कीमती चीज खर्च हो रही है आपकी, जिसको समय धन बोलते हैं, उसको लौटा नहीं जा सकता, किंतु पुनः बांधेंगे तब वो काम में आ सकता है। पुनः वही आयु बंधे, ये कोई नियम नहीं होता। फिर कितनी भी सागरोपम आयु भी प्राप्त कर लो तो भी उसमें से एक समय भी, एक पल भी काम में नहीं आने वाला जो इस पर्याय में काम में आता है। इसका मूल्य बहुत बड़ा है। समय आपका ज्यादा हो गया है, समय तो होता ही रहता है, समय के साथ हो जाते हैं हम तो काम बहुत अच्छा होता है। उन्होंने थोड़ा सा नीचे खिसका करके ऊपर बढ़ा दिया है तो उतना ही समय, दिन तो उतना ही है, थोड़ा खिसकन फिसकन हो जाता है। इस अपेक्षा से आप लोग समय की पाबंदी रखेंगे और जैसा कहा है उसी के अनुसार कार्य हो तो बहुत अच्छा है। अभी आप लोगों ने सबको भूल करके अतीत में यात्रा करके आए हैं, प्रतीति एक ऐसी वस्तु है, अनागत की और अतीत की दोनों की तुलना करके वर्तमान में हमें वह समझाता है। और वह वही तो प्रतीति है, भविष्य के बारे में योजना क्रमबद्ध करती रहती है। संतों ने प्रतीति को ज्ञान के और सम्यक ज्ञान के सम्यक दर्शन के साथ उसको बताने का हम लोगों को प्रयास किया है। हम ये जानते हैं कि प्रतीति में सब कुछ झलकता है, लेकिन झलकन जीवन नहीं होता है, विचार जीवन नहीं होता। विचार के बिना आचार भी पंगु होता है अथवा अंधा माना जाता है। विचार और आचार, इन दोनों का एक साथ गठबंधन हो जाए, पथ पर जाने के लिए उत्साह जागृत हो जाता है। आज आप लोगों ने इन छोटे छोटे इन होनहार, इनके भीतर वो सारी सारी प्रतीति और रीति नीति, सारे सारे संस्कार के माध्यम से भर दिया गया है। अब इनके कदम धीरे धीरे उठने वाले ही उठ रहे हैं, लेकिन गति से पूर्व में अपने को सही दिशा की ओर जाने के लिए कुछ ऐसा रास्ता का निर्माण आवश्यक होता है। अब जिसके पास प्रतीति हो गई, दिशा बोध हो गया, चलना प्रारंभ कर लेता है और वह पगचिन्ह ही पथ का रूप धारण कर लेता है। हमें हाईवे की कोई आवश्यकता नहीं, हमें पगडंडी मिल जाए और हम पगडंडी ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। दिशाबोध होने के उपरांत इन्हीं नन्हे नन्हे बच्चों ने कहा था अब हमें पथ की कोई आवश्यकता नहीं, हमें वे क्या मिल गए, चरण चिन्ह निशान, चरण की निशानियां हमें प्राप्त हो चुकी है। यह अवश्य है, संस्कार भी अपना काम करता रहता है। कितना भी हो, हमेशा हमेशा संसारी प्राणी
प्रमाद कषाय मोह मदमत्सर के कारण अपने आप को गिरा देता है। किसी ने गिराया, ये एक औपचारिक कथन है। जिनके माध्यम से आप गिर गए उसको मात्र निमित्त मानो, स्वयं का उपादान उस प्रमाद से गिर गए हो, उस प्रमाद को छोड़ने की आवश्यकता है। आप लोगों ने एक हाइकू सुनाया है, बहुत अच्छा है लगा मुझे भी। कुछ लगता है या तो हाइकू को कॉपी बनाते समय या उसको नकल करते समय एक अक्षर को छोड़ दिया ऐसा लगता है, या तो हमने हमें सुनने में नहीं आया हो, हम उसको सुधारना चाहते हैं कि उड़ना भूली है ना, उड़ना भूली चिड़िया सोने की तू, हमने तू लगाया इसके साथ, नहीं समझे, उड़ना भूली चिड़िया सोने की तू, उठ उड़ जा। जब तक संबोधन हमें तू तुम के रूप में नहीं मिलता तब तक हमें कोई भी शब्द अच्छे नहीं लगते, तो उड़ जा। तो जब शयन के कक्ष में रहते हैं, माँ बार बार आवाज लगाती है, बेटा उठ गया, हो हो। हमें यह याद आता है कि मूक माटी में प्रातःकालीन वर्णन है और उसमें प्राची की गोद में सूर्य नारायण भानु उग तो गया है, उसकी नींद उड़ तो गई है, किंतु प्राची की गोद में वह है अभी करवटे ले रहा है। करवटे का अर्थ क्या होता है, इधर का उधर, उधर का उधर, उठने का वह प्रमाण कर रहा है, उठ नहीं पा रहा है। जब तक माँ एक लुटिया लेकर के ठंडे पानी की नहीं आती और शांति धारा नहीं करती तब तक तो उठने की बात ही नहीं, बस प्रमाण इतना ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। लेकिन आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तूफान आते रहते हैं। और ये ध्यान रखना, बड़े बड़े झाल जो होते हैं वह समुद्र में कभी डूबते नहीं, वह बहुत ही एक धोखा हो जाए तो डूब जाए, किंतु वह यूं डामाडोल जिसको बोलते हैं, ये होना उसका स्वभाव है। जैसे जैसे ज्वार भाटे समुद्र का एक परिणाम होता रहता है, उस ऐसा लगता है इसके साथ ही उसकी यात्रा चलती रहती है। हम लोग अपने पद से च्युत हो जाते हैं तो कहने में आता है इन्होंने किया इन्होंने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा,